अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जिया क्रिएशन। आज मैं आपको स्लीव का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने अपना बुकरम का एक पीस लिया है जिसको मैंने फोल्ड किया हुआ है, और नीचे हम चौड़ाई की तरफ हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा निशान लंबाई की तरफ लगाएंगे, जो कि मैंने 3 इंच पर लगाया है, ठीक है, हाफ इंच पे नीचे और 3 इंच पे ऊपर, ठीक है। इसके बाद इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक पत्ते की शेप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, एक पैटर्न। इसके बाद हम इसके साथ साथ हाफ इंच का गैप देके एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद इन दोनों लाइनों को हमने कट करके अपना पैटर्न रेडी कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये मेरा पैटर्न जो है कुछ इस तरह से बनके रेडी होगा, ठीक है। इसके बाद हम अपने स्लीव्स का जो कपड़ा है वो लेंगे, उसके हमने बैक साइड पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। स्लीव्स की बैक साइड पे हमने अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने अंदर वाला जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, उसको कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद ये मैंने कंट्रास्ट में एक लेस ली है, ठीक है। इस लेस को हम जो है इसके साइडों पे लगाएंगे सारे पैटर्न के, ठीक है। सारे में हमने ऐसे लगा के इसको स्टिच कर देना है, ठीक है। चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लगाना है इसको। ये देखें, हमने बहुत आराम से एहतियात के साथ, ठीक है, इसको यहाँ लगाना है और इसको स्टिच करना है। ये देखें, मैंने स्टिच कर ली है सारी लेस, ठीक है। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने एक अपने कंट्रास्ट में जो पट्टी है वो ली है, जिसको मैंने रेप कट किया है। ये मेरे ट्राउज़र के साथ का कपड़ा है, ठीक है। इसको मैंने रेप पट्टी कट करके, ठीक है, इसको जो है हमने इधर जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई है ना लेस के ऊपर, उसके ऊपर ही रख के हमने इसको दोबारा से स्टिच करना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है, और जो सेंटर है वहाँ से बलना है हमने, इसलिए थोड़ा सा उसमें कट देना है। इसके बाद हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। अंदर से हमने कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करना है पहले, ठीक है। उसके बाद दोबारा फोल्ड करके हम इसके कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने सारी सिलाई जो है कंप्लीट कर ली है, डिज़ाइन बनके बहुत प्यारा रेडी हुआ है। इसके बाद हमने साथ के फैब्रिक की एक सीधी पट्टी लेनी है। इसके बाद हम इसको इसके नीचे रख के, ठीक है, हमने इसके नीचे रख के इसको हमने ऐसे स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है, सीधी साइड पे रख के किया है। अब बैक साइड पे हमने जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है, इसके ऊपर ही थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड करके, ठीक है, इसके ऊपर रख के हम दोबारा से इसके साथ सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है, दोनों तरफ से बहुत नीट सिलाई लगी है, ठीक है। अब हम दोबारा से ये जो लेस जो हमने लगाई थी, इसको इसके ऊपर रख के, सिलाई के ऊपर रख के दोबारा से इसको स्टिच करेंगे, तो ये हमारा जो है आज का डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। ये मेरे स्लीव्स बनके रेडी हो गए। आप इसको ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।